नहीं कहिए, क्या कहें, हमसे तो देखा नहीं गया, मैं तो भागा भागा चला गया, क्या नहीं देखा गया। बोले तुम्हारा अपमान, मेरा अपमान कहां हो रहा, दरबार में चल के देखिए आप, तुम्हारा लड़का तो जमीन पर खड़ा है, तुम्हारे दासी के लड़का महाराज की गोद में बैठा है, अपमान नहीं क्या, हमसे नहीं देखा गया, मैं तो चला आया। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो सुरुचि भागी, दरबार में पहुंच गई, भाई देखा उत्तम जमीन पर ध्रुव गोद में, हाथ को पकड़ करके जमीन पर खींच लिया, गाल पर एक तमाचा दिया, तू महाराज की गोद में बैठने के लिए चला गया। बोली अपने पति से, बोली अब अकल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है, राजा की गोद में बैठने के लायक तू नहीं है। और बैठने के लायक कब होता, देखो सुरुचि ने कितनी बड़ी बात कह दी, अगर तूने पूर्व जन्म में थोड़ा सा भी भजन किया होता तो दासी के गर्भ से पैदा ना होके बल्कि मेरे गर्भ से जन्म लिया होता, समझ गया, तो तू महाराज की गोद में बैठने के लायक होता। महाराज वो तानपाद भी कुछ भी नहीं बोले ध्रुव, और रोते हुए वहां से अपनी मैया के पास पहुंचे। और जैसे ही सुनीत ने ध्रुव को रोता हुआ देखा, एकदम से गोद में उठा लिया, मेरे लाल रोने के लिए तो भगवान ने मुझे ही बनाया, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, बात क्या है। सुनीत ने पूछ दिया, मेरीला ओ दुखियारी के लाल तोई किस बेदर्दी ने मारो, जवाब दिया मेरे लाल किसने मारा है। ध्रुव कहते हैं मेरी मैया, मैं और उत्तम भैया पिताजी के दरबार में खेलने के लिए गए, पिताजी ने तो मुझे अपनी गोद में ले लिया, मौसी पता नहीं कहां से भागती हुई चली आई, उन्होंने मेरे गाल पर एक तमाचा दिया। तो सुनीत कहती है, बेटा मैं तो ये सोच रही थी कोई और बात है, तो अपने ही तो है, मार दिया तो क्या हुआ। ध्रुव कहते हैं मेरी मैया, अपने हैं इसीलिए तो कुछ ज्यादा लग रहे, और ये सच बात है। एक बात बता, व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानवान हो, चाहे कितना भी धनवान हो, चाहे कितना भी बलवान हो, चारों तरफ जीत करके चला आता है
और जब हारता है तो अपनों से ही हारता है, अपनों के सामने किसी की पेश नहीं जाती है। और अपनों के सामने न शस्त्र चलते हैं न शास्त्र चलते हैं। ध्रुव कहते मेरी मैया अपने इसलिए तुम्हारे कुछ ज्यादा लग रही है। एक मार्केट में एक सुनार की एक लोहार की दुकान थी नजदीक नजदीक। एक दिन एक लोहे का टुकड़ा टूट करके सुनार की दुकान पे पहुंच गया। अब सोना में और लोहा में आपस में बातें होने लगी। सोना कहता है देख भाई जो दशा तेरी है वो दशा मेरी है, तुझे तेरा मालिक पीटता है और मुझे मेरा मालिक पीटता है, लेकिन मैं जब पिटता हूं तो मैं चिल्लाता नहीं और तू जब पिटता है तो इतना शोर मचाता है, इतना क्यों चिल्लाता है? तो लोहा कहता है फर्क केवल इतना है तुझे मारने वाले तेरे अपने नहीं होते, तू अपनों से नहीं पिटता है, और मैं जब भी पिटता हूं तो मैं अपनों से ही पिटता हूं। जब भी मारा जाता हूं मैं मेरे खुद के ही अपने मारते हैं, अपने पीटते हैं, जब अपने पीटते हैं तो फिर चीख तो निकल ही जाती है। सुनीत कहती है मेरे लाल तुम इन पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहे हो, तुम उस पिता की गोद में बैठना जो सबके ही पिता है। कौन? भगवान। रहते कहां है? बोले बेटा भगवान के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है, कड़कड़ में प्रभु का वास है। तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? अगर मेरे पिता हर जगह रहते तो क्या दरबार में नहीं आते? मैया किस ठोर बसत भगवान रे हसे गोद जवाब दिया तुम छोटे हो, थोड़े से बड़े और हो जाओ तो तुम जंगल में तपस्या करने के लिए जाना, तुम्हारे पिता तुम्हें उसी जगह पर मिले। ध्रुव कहते मेरी मैया तो मुझे आज्ञा दे दो। क्यों? मैं अपने पिताजी से मिलने जरूर जाऊंगा। सुनीत ने सोचा ये हमने इसे क्या बता दिया, ये नहीं मानेगा, तो बातों को बदल करके एक बात की, बेटा ये बातें छोड़ो, ये बातें हम और तुम बाद में भी करते रहेंगे, सुबह से तुमने भोजन नहीं किया, मुझे भी भूख लगी। तो मैया बोली रोटी खाए ले और मैं दही मांग के लाती हूं। Bobby!
भोजन कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी। ध्रुव कहते हैं मेरी मैया स्वर्ग का द्वार दिखा करके अब तो हमें नरक की तरफ खींच रही है, मैं भोजन नहीं कर सकता। अपनी माता के पैर छू करके ध्रुव वहां से आगे बढ़ गए। सुनीत बैठी की बैठी रह गई, ये क्या हुआ? महाराज उत्तान पांड को खबर दी है कि ध्रुव तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। एक बात सोची, हमें ऐसा लगता है ध्रुव और ध्रुव की माता को अच्छा भोजन नहीं मिलता इसलिए जंगल में जा रहे हैं। का गांव वालों ध्रुव से जाके कह दो आज से ध्रुव और ध्रुव की माता को अच्छा भोजन दिया जाएगा लेकिन वो जंगल में ना जाए। ध्रुव से कहा तो ध्रुव ने सोचा भारे भगवान तुम्हारे नाम से ज्यादा नहीं 10-20 ही कदम निकल पाए तो अच्छा भोजन मिल गया, भोजन के लालच में नहीं पड़े। यहां तक हुआ महाराज उत्तान पाद ने अपना पूरा राज्य दे दिया लेकिन ध्रुव नहीं माने, भागते हुए जंगल में पहुंचे और जंगल में घुस नहीं पाए। सामने सिरे से नारद आ गए, नारद ने जरा से बच्चे को देखा सामने पहुंच गए, डर नहीं लगता भागता चला जाना है, तुझे नहीं मालूम आगे जंगल है, जंगल में जंगली जानवर रहते तुझे मार देंगे। क्या नाम है तेरा? बोले मेरा नाम ध्रुव है। यहाँ जंगल में क्या करने आया? मैं अपने पिताजी को ढूंढने आया हूँ। अच्छा तेरे पिता जंगल में रहते हैं? जी। किसने बताया? मेरी माँ ने बताया। अच्छा नाम क्या तेरे पिता का? भगवान। बाजी बा बेटा ऐसा करो तुम यहाँ से वापस चले जाओ। क्यों? अरे मैंने कहा नहीं जंगल में जंगली जानवर तुम्हें मार देंगे। तो ध्रुव कहते आप कौन हो? दिखता नहीं है मैं महात्मा हूँ। लगते तो नहीं? डॉगी लगता। बोल लगता तो ऐसा ही है। क्या तुम मौत धरे डराए और तुम संतन पूरे डॉगियों से। नारद कहते बेटा अब हम समझ गए तुम्हें भगवान के ऊपर इतना बड़ा विश्वास है, अब तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। एक बात बताओ क्या तुम कोई गुरु की है या वैसे ही भागते चले आए? तो ध्रुव कहते बाबा जी गुरु क्या होता है मुझे तो नहीं मालूम। बोले बेटा तपस्या करके भगवान शंकर के समान क्यों ना बन जाओ, और जब तक गुरु नहीं है भवसागर से पार नहीं होते, दूसरे भगवान के दर्शन भी नहीं होते, पर तुम गुरु बनाओ। तो ध्रुव बोले बाबा जी गुरु बनाए के लिए हम कहां जाए, ऐसा ना करो थोड़ी देर के लिए तुम्हें गुरु बन जा। जैसे नारद गुरु बने और इन्होंने द्वादश मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवा। वैसे गुरु तो हर किसी को बनाने चाहिए, हर किसी को बनाने चाहिए, गुरु एक प्रकार के नहीं होते, एक होता है शिक्षा गुरु एक होता है दीक्षा गुरु। अच्छा शिक्षा गुरु जो होते ना वो तो हमारे जीवन में अनेकों होते, भाई जिससे हमें शिक्षा मिली वो मेरा गुरु, और ये शिक्षा गुरु तो बदलते रहते हैं। जैसे पढ़ने जाते हैं पहली क्लास में कोई और गुरु है, दूसरे में कोई और है, पांचवी में कोई और, तो हाई स्कूल में कोई और, तो ये गुरु बदल जाते हैं। लेकिन जो दीक्षा गुरु होता है जो कान में मंत्र देता है ये गुरु नहीं बदलने चाहिए। अब तो हम देखते हैं आवश्यकता अनुसार वे गुरु बदल जाता है। एक बार अगर गुरु कर लो तो अपने गुरु की बात माननी चाहिए, और जो शिष्य अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं बाद में फिर रोना पड़ता। मैं बताऊं दो मिनट की बात है, यानी जो शिष्य अपने गुरु की बात नहीं मानते बाद में फिर रोना पड़ता है। एक राजा था, राजा के एक ही लड़का था वो भी मूर्ख, राजा खत्म हो गया लड़के को राजा बना दिया
और जब उसे राजा बना दिया उसने सारे कानून ही बदल दिए। एक बात और कही, हमारे राज्य में जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं पेट भर के खाओ, केवल एक टका में। पुरानी बात, भाई राज्य से एक बार गुरु चेला निकले, चेला ने जब मिठाई रखी देखी, मिठाई की बड़े शौकीन रहे, मिठाई रखी देखी, बोले गुरु जी मिठाई तो अच्छी लग रही तो थोड़ी खा लो बाकी बाद में चले। बोले खा लो। चेला ने खूब पेट भर के मिठाई खाई, पैसा पूछे तो बिल्कुल नॉर्मल कुछ, बोले गुरु मिठाई बड़ी सस्ती है, ऐसा करो साल दो साल ही रुको, खूब मिठाई खाओ बाकी बाद में चले। गुरु जी बोले लला लालच में मत पड़ो, मूर्ख राजा है और कब मुसीबत सिर पे आ जाए कोई पता नहीं। चेला बोले गुरुजी ज्यादा ना है तो महीना छह महीने रुक जा। गुरुजी मना करते रहे, चेला नहीं माने, बोले कोई बात नहीं रुक जा, होगा तो देखा जाएगा। रुक गए चेला जो रहे, रोजाना मिठाई खाए, सवेरे को शाम को समय मिल जाए तो दोपहर को भाग के खाया, और मिठाई खाए खाए के फिर भी ऐसे मोटे पड़े। एक दिन ऐसा हुआ, राजा के दरबार में एक रोता हुआ पहुंच गया, महाराज की जय हो। कहिए क्या हुआ? बोले महाराज हमारे पड़ोसी की दीवार गिर पड़ी। बोले दीवार पड़ोसी की गिरी तुम काय करो है? बोले महाराज उसके नीचे हमारी बकरी दबके मर गई। राजा कहने लगा सिपाहियों इसके पड़ोसी को बुला के लाओ, अरे दीवार काय बनवाई जो गिर पड़ी। पड़ोसी को सामने पेश किया, महाराज आपने हमें बुलाया, तुम्हें बुलाया, काहे को बुलाया? बोले तुमने कैसी दीवार बनाई वो दीवार गिर पड़ी, ये जो खड़ा है ना इसकी बकरी दबके मर गई। पड़ोसी बोलो महाराज आप मेरे का दोस्त, कारीगर ने दीवार बनाई हमने तो बनाई ना, वो गिर पड़ी इसमें मेरा क्या दोष? हाँ बोलो ये तो ठीक है, तुम जाओ सिपाही और तुम भी जाओ उन कारीगरों को बुला के लाओ। कारीगर सामने पहुंच गए, बोले तुमने दीवार कैसी बनाई वो दीवार गिर पड़ी, जो खड़ा है इसकी बकरी दबके मर गई। कारीगर बोले महाराज मेरे दोस्त ना। फिर किसका दोष है? बोले सीमेंट मिला रहे हो तो हम पानी ज्यादा डाल दो, मजदूर का दोष है। बोलो उसे बुलाओ। मजदूर सामने पहुंच गया, बोले तुमने सीमेंट में पानी ज्यादा डाल दिया उसने दीवार बना दी, वो दीवार गिर पड़ी, तुम्हें मालूम है ये इसकी बकरी दबके मर गई, क्यों पानी ज्यादा डाला? वो बोलो साहब धोखा में ज्यादा पड़ गए। कैसे? बोले जब हम पानी डाल रहे थे तो आपके कोतवाल साहब थे ना, ये बड़ी सजा धजा के सवारी लेके जा रहे थे और मैं इनकी सवारी की तरफ देखता रहा, उसे पानी ज्यादा पड़ गया। राजा बोले अब समझ में आई है दोस्त उस कोतवाल का है, उन्हें बुलाओ। कोतवाल साहब सामने पहुंचे, महाराज हमें बुलाया, तुम्हें बुलाया, बड़ी सजा धजा के सवारी लेके जाते हैं, मेरा महल भी डालने का इरादा है। कोतवाल साहब अपनी सफाई में कुछ बोल पाते तब तक मूर्ख राजा था, उसने जल्लादों को आज्ञा दे दी, बोले ले जाने फांसी लगाओ दोस्त कोतवाल का है। अब जल्लाद पकड़ के ले गए, कोतवाल बोले साहब अब भाई इसमें मेरा क्या दोष है, देखो मूर्ख राजा है और हमें तो बिना मतलब फांसी लगाई जा रही, तुम जो कुछ ले उस ले लो, हमें कैसे बचाओ राजा? तो जल्लाद बोले चिंता ही मत करो, कोतवाल को सामने ले जाके फिर खड़ा कर दिया राजा के। राजा ने पूछ लिया फांसी नहीं लगाई? बोले महाराज फांसी कैसे लगे, क्यों? कोतवाल साहब की गर्दन तो बड़ी पतली है, फांसी का फंदा बड़ा चौड़ा है, फांसी कैसे लगे? मूर्ख राजा कहने लगा पागल ही हो क्या, इतना भी ज्ञान नहीं तुम्हें? कोतवाल की अगर गर्दन पतली है तो कोतवाल को छोड़ो, अपने पूरे राज्य में घूमो, इसकी गर्दन मोटी हो पकड़ के ले आओ, उसे फांसी लगा दो, जाओ। जल्लाद भागे, चारों तरफ खोजते रहे और तो कोई ना मिलो, जो चेला जो रहे मिठाई खाए खाए के बड़े मोटे भरे। जल्लाद ने उठा लिया, बोले चलो कहां, मेरे महाराज का हुक्म है तुम्हें फांसी लगाएगी। चेला बोले फांसी काहे को लगाएगी, हमने जितनी मिठाई खाई सबके पैसे दे दिए, उधार थोड़ी खाई। बोले तुम्हारे जितना मोटा हमारे पूरे राज्य में कोई है ही नहीं। सोई गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े, बोले गुरु जी अब हमें कैसे बचाओ? गुरु जी बोले लला और मिठाई खाओ, अब ज्यादा परेशान देखा तो गुरु ने अपने शिष्य को किसी भी तरह से बचा लिया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है, देखो एक बार गुरु कर लो, अपने गुरु की बात माननी चाहिए। छोटा सा एक कीर्तन बोल लेते हैं।